लाडली बहना कार्यक्रम में पहुंचे सीएम मोहन यादव ने कार्यक्रम में आए भाइयों या यूं कहूं लाडली बहनों के बीच बैठे लाडले भाइयों को भी नसीहत दे दी। शुरुआत में मैंने आपको सीएम मोहन यादव की बात सुनाई और दिखाया कैसे उन्होंने कहा कि भाई जोरदार ताली बजाओ, पैसे अगर उनके पास आ रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पैसे जो हैं लाडले भाइयों को नहीं मिल रहे तो ताली ना बजाएं। उन्होंने ये भी कहा कि भाई महिलाओं के पास पैसे आते हैं, बहनों के पास पैसे आते हैं तो उससे अच्छा ही होता है, शुभ माना जाता है। एक बार सुनिए कैसे लाडले भाइयों को प्यार से मोहन यादव ने मन से समझाया, सुनिए। और बहन बेटी के हाथ में पैसा आए तो पुरुष के हाथ में आए तो रुपया का बारिया ना जाता, 25 पैसे उसके उधर तो चले जाते, लेकिन बहन के हाथ में आया हुआ 1 रुपया ये 1.25 रुपए में चलता है, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। बहन उसके बारे में जो पैसे का सदुपयोग करती है वो कोई दुनिया की मिसाल नहीं है ऐसी, जहाँ हमारे यहाँ की माताएं बहने अपने परिवार को चलाने में इतना ध्यान रखती है। जोरदार अभिनंदन करें 1576 करोड़ के लिए सिंगल क्लिक के माध्यम से। आपको बता दूं कि मंडला में लाडली बहना कार्यक्रम में पहुंचे थे सीएम मोहन यादव और करीब 1500 करोड़ से ज्यादा राशि प्रदेश की 1,29,00,000 लाडली बहनों के खाते में ट्रांसफर कर दी गई। आपको बता दूं इस कार्यक्रम में सीएम ने लाडली बहनों को लेकर जहां और भी बातें कही कि आगे भी लाडली बहना योजना जो है उसमें बहनों का ध्यान रखा जाएगा, योजना में इसी तरह समय से पैसे आते रहेंगे, क्योंकि आपको बता दूं कि सिंगल क्लिक के माध्यम से ना केवल लाडली बहनों को बाकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन और लाभार्थी जो हैं उनको भी राशि ट्रांसफर की गई। मंडला में ये कार्यक्रम था तो हुआ ये था कि उस दौरान भाई बैठे थे, जो पुरुष बैठे थे उनको भी मोहन यादव ने अलग अंदाज में समझाया, प्यार से समझाया और कहा कि कोई दिक्कत नहीं, ताली बजाइए ज़ोरदार भाई, अगर लाडली बहनों के खाते में पैसे आ रहे हैं तो क्या गलत बात है, बहनों के पास पैसे आते हैं तो शुभता आती है, शुभ होता है, लक्ष्मी का आगमन होता है, ऐसा मोहन यादव ने कहा। दरअसल प्रदेश में इसको इसलिए नसीहत के तौर पर कहा जाए कि बीच में जब शिवराज सिंह ने ये योजना शुरू की थी तो कहा जा रहा था कि भाई लाडली बहनों का तो मामा ने ध्यान रख लिया, लाडले भैयाओं का क्या होगा, मध्य प्रदेश में मतलब जो युवा हैं बेरोजगार हैं उनको भी कुछ महीने में ऐसे पैसे मिलेंगे, सहायता के तौर पर राशि मिलेगी, तब ये सवाल उठा कि लाडले भैयाओं का क्या होगा। अब इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जो है पुरुष युवा पहुँचे थे और वो भी कार्यक्रम में मौजूद थे, उसी दौरान सीएम मोहन यादव ने मंच से अपने ही अंदाज में एक तरीके से सलाह भी दे दी, नसीहत भी यही दे दी कि भाई अगर बहनों के पास पैसे आ रहे हैं तो ये तो अच्छी बात होती है, क्योंकि घर में महिलाएं ऐसी होती हैं जो पैसों को बचाकर चलती हैं और ये पैसे घर के काम आते हैं। लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना गेम चेंजर साबित हुई, यही वजह है कि लाडली बहना योजना को शिवराज के बाद सीएम मोहन यादव भी उसी तरीके से चालू रखे हुए हैं, या यूँ कहूँ कि लाडली बहनों का विशेष ध्यान मोहन यादव भी रख रहे हैं। आप देखते रहें अभी तक।